बैठते हैं, इतना आकर्षण यदि वो खेल में है, उससे अधिक आकर्षण एक महत्वपूर्ण शक्ति आचार्य को होगा। आकर्षण तो आचार्य को होना ही चाहिए, केवल पुस्तक देख के बोलने वाला नहीं, तो चित्र रख के आपको विभाग करने वाला तो आचार्य नहीं, वो तो शिक्षक है। आचार्य तो आपको प्रेरणा करने वाला, उनकी दृष्टि से, प्रेम शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, वीक्षण से, स्पर्श से, स्मृति से, सानिध्य से, उपदेश से, उपन्यास से, दीक्षा से, आचार और अनुष्ठान का प्रदर्शन से आपको उन्नति में ले आने वाला योग्य पुरुष को हम आचार्य कहते हैं। वो आदमी क्या करना चाहिए, आपको विस्मरण दीक्षा करना चाहिए, जिससे इसके पहले जो जो दिए हैं वो सब स्वप्न तुल्य, नहीं तो जन्मांतर तुल्य होगा। नहीं, हम तो इसे कि जन्मांतर में इसे किया होगा, ऐसा एक भाव आना चाहिए आपको, एक नया जन्म और नया स्मृति जो देने वाले हैं विस्मरण से, वो विस्मरण सिद्धि देने वाला तो आचार्य है। इसलिए बाल्य में जो आपको अज्ञात, अनुभूत और आरोग्यता है, वो तीन आप 60 उम्र में शुरू कीजिए, नहीं तो 50 उम्र में कीजिए, 70 में कीजिए, जो कुछ भी हो आपका प्राय, उसी प्राय में ये तीन शक्ति आपको जो मिल जाते हैं वो तो आचार्य है, वो पहले मिलना चाहिए। क्योंकि शरीर और शरीर विक्रिया एक प्रकार और योगाभ्यास दूसरा प्रकार, ऐसा दोनों दिशों में नहीं तो विदिशों में चलने से आपको गति, नहीं तो आपकी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की संपत्ति कभी भी नहीं होगी। इसलिए बाल्य तो बहुत विशिष्ट है। और भी एक मुख्य समाचार हम बोलना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यम और नियम, इसको आधार शक्ति बोलते हैं। आप षट द्वंद्वों का पठन करना चाहिए। षट द्वंद्व मन का आक्रमण देह में और देह का आक्रमण मन में, तो अंग्रेजी में बोलते हैं जो साइकोफिजियोलॉजी एंड फिजियोसाइकोलॉजी, अंग्रेजी में बोलेंगे तो बहुत प्रकार इसका विभाग कर सकते हैं, हम हिंदी में इतनी वाग्मी नहीं है। इसलिए शरीर के ऊपर मन का आक्रमण और मन के ऊपर शरीर का, मन का आक्रमण बुद्धि के ऊपर और बुद्धि का वैपरीत दृष्टि मन के ऊपर, यह बुद्धि और चित्त आत्मा के ऊपर, और यह संबंधित या बद्धित आत्मा या बद्धात्मा वो बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर और शरीर के ऊपर, यह सब पारस्पर्य बोलते हैं शास्त्र में, पारस्पर्य बोलते हैं। इसलिए पहला यह प्रश्न हमको होना चाहिए, देह को हम जानते हैं, मन को जानते हैं, बुद्धि या चित्त या अहंकार और आत्मा तो अनुभव तो कर सकते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। इसलिए हमको बहुत नजदीक है स्थूल रूप में शरीर और सूक्ष्म रूप में मन, ये दोनों के बारे में पहले हमको जानकारी होना चाहिए। इसमें एक प्रश्न हम पूछेंगे, मन का आक्रमण शरीर के ऊपर, शरीर का आक्रमण मन के ऊपर, ये दोनों में कौन से वस्तु ज्यादा आक्रमण कर रहा है? मन में, मन का आक्रमण शरीर के ऊपर ज्यादा होता है। यस, मन का आक्रमण शरीर के ऊपर ज्यादा होता है। इसलिए योग शास्त्र में वो मन को नियंत्रण करने के लिए वो बाल्य में यम और नियम का अभ्यास होने दिए। इसलिए पहले मन का आक्रमण शरीर में कम होने के बाद शरीर का आक्रमण शरीर में कम हो जाता है, फिर मन का आक्रमण मन में कम हो जाता है, फिर बुद्धि का आक्रमण मन में कम हो जाता है, फिर बुद्धि का आक्रमण आत्मा में कम होता है, फिर आत्मा तो शुद्ध निर्मल हो जाती है, फिर वो निर्मलता मिलने के बाद वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध धी, शुद्ध मनस और परिशुद्ध शरीर हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए पहले यम और नियम का अभ्यास करना चाहिए। मैं अभी पूछ रहा हूं, यम और नियम के लिए शिक्षण पद्धति है, कोई लोग ऐसा सीखने वाले हैं, बहुत लोग योग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके पास पूछिए आप यम नियम आसन जो पढ़ रहा है, जिसको यम का हस्तगत सिद्धि है उनको नियम की सिद्धि होगी, जिसको यम और नियम में अनुष्ठान है उनको ही आसन की सिद्धि हुई, जिसको यम नियम और आसन में सिद्धि है, पूर्णता है, उसको ही प्राणायाम की सिद्धि होगी। ये चार विभागों में जो संसिद्ध है, संलग्न है, उनको प्रत्याहार, ये पांच विभागों में जो दीक्षित है उनको ही ध्यान होगी, ये ध्यान में जो सिद्धि है उनको धारण धारणा में समाधि, ये सब तो एक आधार पूर्वक सोपान है। अभी तो हम देख रहे हैं अलग अलग पढ़ रहे हैं, यदि एक आदमी का आंख तो बहुत सुंदर है, इसका अर्थ यह है कि वो शरीर में प्राण होना चाहिए, यदि आगे आदमी तो मर जाता है, फिर वो आंखों को देखने को हम तो डर आ जाता है,
एक आदमी तो यदि मृतप्राय है, नहीं तो एक आदमी तो यदि कलुषित है या खंडित है, उनका शरीर में देख के आपको संतुष्टि आपको मिल जाता है क्या? वो आंखों को देख के नहीं, वो शरीर में प्राण होना चाहिए, वो शरीर ये मुंड में ये मुख होना चाहिए, मुख में ये आंख होना चाहिए, और आंख में एक भाव होना चाहिए। ये सब होने से वो आंख तो अच्छा होता है। ये आंख निकल के एक बहुत बड़ा बर्तन में रख के पानी डालकर उसको देख के क्या आता है आपको? यदि डर आ जाता है, नहीं तो विजगुप्सा आ जाता है। ठीक, इसलिए जो आसन है वो आसन को यम और नियम से अनुभव करना है। यम और नियम का अनुभव के बिना केवल आसन का अनुभव करना, हमारा शरीर में यदि आंख और आस्य या श्रोत्र अंगुली ऐसा जो अवयव में सौंदर्य है वो सब काट के अलग रख के उसका सौंदर्य देखना, जैसा विजगुप्सित काम है वो। इसलिए अभी जो ये प्राणायाम कर रहे हैं उनको प्रत्याहार तो मालूम नहीं है, प्रत्याहार छोड़ दीजिए वहां नहीं चलते, पीछे आ जाइए, यम नियम का ज्ञान नहीं है, आसन करने वाले का यम नियम का ज्ञान नहीं है, सीधा ध्यान में चल जाता है, सीधा ध्यान में चल जाता है बहुत लोग। इसलिए अष्टांग योग अभी त्रयंग योग है। ये अष्टांग योग में समाधि, कुछ मरने वाले को समाधि बना के रख के पूजा करते हैं, योग का समाध, ये समाधि भाव तो अभी नहीं है, समाधि नहीं है अभी दुनिया में, धारणा का नाम भी नहीं सुने आप, प्रत्याहार का अनुष्ठान नहीं है। यम और नियम तो हम यम धर्म जैसा मानते हैं, डर के वो छोड़ दिए हम, इसलिए सब अभी नहीं है। अभी तो जीवित है ये अष्टांग योग में केवल आसन और प्राणायाम और ध्यान, ऐसा ये पूर्ण एक स्वरूप से एक वस्तु मात्र अलग करके करने से आपको बहुत तकलीफ हो जाता है। इसलिए जो केवल आसन करने वाले का शरीर में पीड़ा, केवल प्राणायाम करने के वाला श्वासकोशों में पीड़ा, और केवल ध्यान करने के वाला बुद्धि विभ्रम, ये सब हो जाता है। बहुत योग करने वाले में बहुत तकलीफ, तत्कलित शांति मिल जाती है, क्योंकि इसको परिवर्तन बोलते हैं, स्थान परिवर्तन। घर छोड़ के एक आदमी ने बताया, स्वामी हमारा घर छोड़ के आपका घर आके बैठे हमको बहुत प्रशांत है अभी हमारा दिल, उन्होंने बोला। मैंने बोला हम हमारा आश्रम छोड़ के तेरा घर आएंगे तो ऐसे ही होगा क्योंकि खुद का घर में कुछ निर्बंध होगा, कुछ काम होगा, कुछ कर्तव्य होगा, वो सब छोड़ के दूसरे वालों के घर में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये सब तो नहीं है। एक तत्कालिक या क्षणिक शांति या संतुष्टि मिलने में क्या है, वो निरंतर मिलने के लिए वो सब होना चाहिए। इसका एक प्रमाण हम दिखाते हैं, वो इसको क्या बोलते हैं, प्लवन बोलते हैं, वाटर प्लवन बोलते हैं, जो विद्या कर रहे हैं, विचेष्टा विद्या बोलते हैं इसको, विचेष्टा कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं ऊपर, बहुत ऊपर खेल रहे हैं ना, वो खेलने वालों को बहुत कुछ अभ्यास है, खुद का अभ्यास है, और ग्रहण करने के लिए एक ग्रहण दंड दिए हैं और दूसरा एक परिवर्तन दंड दिए हैं, ये छोड़ देंगे तो पकड़ने के लिए दूसरा आदमी है, और ऊपर से यदि वो गिरेगा वहां एक संरक्षण कोष है, ये सबके साथ वो कर रहा है। केवल एक आकाश में नहीं तो उतनी दूर में उतनी ऊपर एक आदमी प्लवन मात्र कर रहा है, और कुछ पकड़ने के लिए अभ्यास नहीं है, दूसरा आदमी नहीं है, ग्रहण का दंड नहीं है, परिरक्षण के लिए कोष नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है, इसके बिना वो प्लवन मात्र कर रहा है, उनको क्या मिलेगा? अपाय ही मिलेगा, उपाय कैसे मिलेगा? इसलिए जो ऊपर खेल रहा है और उससे ऊपर चलेगा वो इसलिए जो आसन कर रहा है, आसन से जो जो विपत्ति है, आचन से जो जो अपाय हो सकता है, वो सबसे निवारण और सबसे संरक्षण करने वाला वो योग्यता तो यम और नियम में उपस्थित है। इसलिए यम नियम के साथ जो कर रहा है वो तो इसका आधार है, ये घर जानते हैं, इसको आधार नहीं तो नीचे चल जाता है। इसके ऊपर इसको क्या बोलते हैं, नीचे जो आधार बोलते हैं इसको हम विधान बोलते हैं, इसको हम वित्ती बोलते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। ये सब नहीं तो फिर वर्षा आने के समय में, हवा आने के समय में कोई ना कुछ अपाय, नहीं तो चोर आ सकता है, कोई ना कुछ प्राकृतिक अपाय मिल सकता है, फिर नीचे सब गिर जाता है, भूकंप में सब चूर्ण चूर्ण हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आधार, विधान और वित्ती ये सब होना चाहिए। ऐसा एक आप आसन में बैठना चाहिए तो इसका सुरक्षण तो यम और नियम का आधार से मिल जाता है, प्राणायाम करने से इसका विधान होता है, प्रत्याकार और आचार अनुष्ठानों से हमारी वित्ती होती है, इसलिए हम सुरक्षित आसन की सिद्धि हम लेते हैं। ऐसा प्राणायाम करने के समय में यम नियम और आसन सब होता है। प्राणायाम मात्र करने वाला बहुत है जिसको आसन का ज्ञान नहीं है, ध्यान करने वाला बहुत लोग बैठे ध्यान मात्र करते हैं, उसको प्राणायाम और ये आसन का ज्ञान नहीं है, और आसन जो कर रहे हैं वो